हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, इस सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल स्टडी वाला जो एग्ज़ाम होता है उत्तराखंड एपीओ का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि जो सीरीज़ है हमने पहले से ही स्टार्ट कर रखी है, उसमें कम्प्लीटली 2016 का पेपर कम्प्लीट हो चुका है ना। तो अब जो स्टार्ट करने वाले हैं हम जीएस वाला भी पेपर का, लगातार कमेंट्स भी आ रहे थे कि मतलब जीएस का भी जो पेपर है सॉल्व कराइए, तो इसलिए हमने जीएस पेपर की भी सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम जीएस पेपर को सॉल्व करेंगे, जनरल स्टडीज़ वाला जो पेपर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का है, लेकिन इतना रेलिवेंट अभी के एग्ज़ाम के लिए, 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन उसे डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है। डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम डिस्कस कर लेते हैं उस क्वेश्चन पेपर को, जो क्वेश्चन मतलब आए हैं 2016 में, तो हमें एक आइडिया हो जाना है ना, कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई गई है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 29 फरवरी, ठीक है, 29 जो फरवरी थी, तो उस टाइम पे 2016 में हु टुक ओवर एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC। ठीक है, क्या कह रहा है कि 29 फरवरी 2016 को किसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला था। तो भाई 2016 की अगर हम बात करेंगे तो कौन था उस टाइम पे? उस टाइम पे थे हमारे HL दत्तू। ठीक है, तो आंसर है हमारा डी। और अगर हम प्रेजेंट की बात करें 2021 की, तो अभी चेयरपर्सन कौन है NHRC के? मानव अधिकार आयोग के जो फिलहाल में जो अध्यक्ष हैं वो हैं हमारे अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, कौन है हमारे? अरुण कुमार मिश्रा हैं। क्लियर? और अगर बात की जाए मानव अधिकार आयोग की, तो मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच कंट्री वॉन द T20 एशिया कप 2016 ऑर्गेनाइज इन बांग्लादेश। कि भाई 2016 में जो क्या हुआ था, T20 कप हुआ था, वो किसने जीता था? ठीक है, देखिएगा इस टाइम पे कोई रेलिवेंट क्वेश्चन है नहीं, ये बस ये देख लेना है कि क्वेश्चन, बस हम ये देखेंगे कि कहाँ से रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे NHRC का क्वेश्चन आया, क्लियर, उसके बाद में कि 2016 में जो मतलब, फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2016 में किस देश का संसद भवन विश्व में पहला ऐसा भवन बना जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा के जरिए चलने वाला था, है ना। तो या फिर पंचायत राज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे वो रिलेट कहाँ से करेंगे, कि हमारे वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, अध्यक्ष कौन है, CEO कौन है, है ना, और किसने कौन से पुरस्कार जीता है। क्लियर? और जैसे कि हमारा नया संसद भवन तैयार हो रहा है अभी इंडिया में, तो वो कौन विस्टा ऐसे करके कुछ नाम है, है ना, किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है, सेंट्रल विस्टा टाइप से। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली जो ओलंपिक हुआ था, तो ओलंपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ में क्या है कि भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर 2020 में कहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया, 2021 में कहाँ पर किया जाएगा, 2022 में कहाँ होगा, है ना। इसी के साथ में G20, G7, G8, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन क्या है, याद रखने। इसी के साथ में देखेंगे आप कि भाई ये पूछा जा सकता है कि कौन कहाँ का प्रेसिडेंट है। ठीक है, कौन कहाँ का प्रेसिडेंट है, किसकी राजधानी क्या है। ठीक है, तो इस टाइप के कोई रोड का नेम चेंज हुआ हो, किसी रेलवे स्टेशन का नेम चेंज हुआ हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक जो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उसी से पूछे गए हैं, करंट अफेयर से पूछे गए हैं। जैसे ये द टेबुलर्स ईयर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक थी 2016, 2017, 2018, इवन कि अब तक भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये किसने लिखी थी, तो प्रणब मुखर्जी जी ने लिखी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया, तो लगभग हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन कहाँ से पूछ ले रहा है,
करंट अफेयर से पूछ ले रहा है, तो हमें करंट अफेयर पर भी पूरा ध्यान रखना है। और इस चीज़ को और ध्यान रखिएगा कि केवल 2021 की ही करंट अफेयर नहीं देखेंगे आप, 2020 की भी करंट अफेयर आपको देखनी है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या होता है कि 10 महीने की करंट अफेयर देख लीजिए। लेकिन आपने बार बार एग्जाम में देखा होगा कि 2021 में एग्जाम हो रहा है लेकिन करंट अफेयर 2019 से भी पूछ ले रहा है, 2020 से भी पूछ ले रहा है ना। तो 2020 में ऐसा कोई खास तो करंट अफेयर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ऑलमोस्ट जो कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, तो वो कोविड सारा जो कोविड से रिलेटेड जो टर्म्स हैं है ना, वो सारे आपको याद रखनी है। तो ध्यान रखिएगा, 2020 का भी मेरा सजेशन है कि 2020 की भी करंट अफेयर आपको पढ़ लेनी है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन, इतिहास के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखेंगे, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड, कि द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी भाई, वैशाली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, वैशाली में हुई थी। आंसर होगा हमारा ए। वैशाली के साथ साथ कुछ बातें हमें याद रखनी है कि भाई जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो उसका आयोजन कब किया गया था, तो 383 में किया गया था। कब किया गया था, 383 ईसा पूर्व किया गया था। कहाँ पर किया गया था, वैशाली में किया गया था। किसने कराया था, जरूरी है किसने कराया था, तो भाई काला शोक ने कराया था। ठीक है, अब अध्यक्षता की भी बात भी आ जाती है कि अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की गई थी सुबू कामी के द्वारा। ठीक है, सुबू कामी के द्वारा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, ए वैशाली में। नेक्स्ट देखेंगे, वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेन इलाइजमेंट, क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर क्या प्राप्त किया था, ज्ञान प्राप्त कहाँ पर किया था। तो ज्ञान प्राप्त कहाँ पर किया था, गौतम बुद्धा ने ज्ञान प्राप्त हुआ था उन्हें बोध गया में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो उन्होंने पहला जो अपना प्रवचन दिया था, जो उपदेश दिया था, वो कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, क्लियर, चारों बातें याद रखनी है कि जन्म कहाँ पर हुआ, ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ, पहला उपदेश कहाँ पर दिया, और उनका जो महापरिनिर्वाण जो उन्हें कहते हैं जब उनकी मृत्यु हुई, तो उसे क्या कहते हैं कि महापरिनिर्वाण हुआ, तो उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई। तो आपको चारों बातें याद रखनी है, कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो जन्म हुआ भाई कहाँ पर, लुम्बिनी में। ठीक है, कहाँ पर हुआ, लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। उपदेश कहाँ पर दिया, सारनाथ में दिया। और मृत्यु कहाँ पर हुई, महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ, ये हुआ उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। क्लियर है, तो आपको एक क्वेश्चन में देखिएगा, चार क्वेश्चन आपको पता चल गए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में है ना, अर्थशास्त्र में जो तीर्थ दिए गए हैं, द नंबर ऑफ तीर्थ गिवन इन अर्थशास्त्र इज, कि अर्थशास्त्र में जो तीर्थ दिए गए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अर्थशास्त्र किसने लिखी है, चाणक्य ने लिखी है, जिनका नाम क्या था, विष्णु गुप्त था। ठीक है, और वो क्या है, एक प्रशासनिक और राजनीतिक ग्रंथ है। और उन्होंने क्या बताया है कि तीर्थ कितने प्रकार के होते हैं, तीर्थों की जो संख्या है वो कितनी है, 18 है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। तो भाई जो कनिष्क थे वो बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी है ना, जो महायान शाखा थी उनके अनुयायी थे कनिष्क। ठीक है, महायान शाखा के अनुयायी थे कनिष्क। और देखिएगा, जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ पर हुई थी, कश्मीर में हुई थी है ना। तो इसका जो आयोजन कराया गया था वो किसने कराया था, ये भी कनिष्क ने ही कराया था। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति, लास्ट बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क ने कराया था। नेक्स्ट है कि ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वाज कविराज ए टाइटल, कि किस शासक की उपाधि कविराज थी, कविराज किस शासक को कहा गया था। तो समुद्रगुप्त जो थे हमारे, उन्हें क्या कहा गया था, इन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। क्लियर है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा सुल्तान है, ठीक है, जो ये सुल्तान के नाम दिए गए हैं, इन सुल्तानों में से कौन सा ऐसा सुल्तान है भाई, जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को फारसी में अनुवाद कराने का काम स्टार्ट किया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान वाज द फर्स्ट सुल्तान बा हु स्टार्टेड द ट्रांसलेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ हिंदूज इनटू पर्शियन लैंग्वेज, कि फारसी में उन्होंने अनुवाद कराया। तो कौन से सुल्तान ने कराया था, ये कराया था भाई फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, 1351 से लेके 1318
88 तक पहला सुल्तान था जिसने कि हिंदू जो धर्म ग्रंथ थे उनका फारसी में अनुवाद कराना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज नॉट असाइन टू इक्तार्स बाय अलाउद्दीन खिलजी, की कह रहा है कि इक्तदार, जो इक्तदार होते थे इन क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को अलाउद्दीन ने इक्तदारों को आवंटित नहीं किया था। तो मारवाड़, मालवा, मेवाड़ या फिर दोआब। तो भाई जो क्षेत्र था, कौन सा वाला क्षेत्र था? दोआब वाला जो क्षेत्र था, ये वाला आंसर डी है ना। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, सबसे पहले अपने साम्राज्य को छोटे 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 बड़े एकताओं में विभाजित कर दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि इकता जो परंपरा जो चलाई गई थी, इक्तदारी की परंपरा, वो किसने चलाई थी है ना। तो वो चलाई थी भाई अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से, कह रहा है कि कौन सा ऐसी जगह थी, कौन सा ऐसा स्थान था जिसे कि इक्तदार पर, मतलब इक्तदारों को जिसे नहीं दिया था। तो आंसर हमारा डी होगा, दोआब को उन्होंने इक्तदारों को नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी जो गोल्ड की जो मुद्रा थी, जो गोल्ड का कॉइन कॉइन था, वो कौन सी थी? इलाही, जलाली, अशरफी या शहंशाह। ठीक है, तो भाई जो अकबर द्वारा चलाया गया जो सिक्का था, जो सबसे बड़ा सोने का जो सिक्का था, वो सशब था। ठीक है, आंसर ध्यान रखना है कि वो क्या था, सशब था। लेकिन सशब को क्या है आंसर में नहीं दिया गया है, इसलिए आंसर इसका डी माना गया, ये माना गया शहंशाह। ठीक है, लेकिन अगर आंसर में अगर सशब भी होगा तो आपको संसब को ही आंसर में टिक करके आना है। नेक्स्ट है कि ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एग्रीकल्चरल लोन दैट वाज गिवन टू द पीजेंट वाज कॉल्ड, कि भाई क्या कह रहा है कि मुगल काल में कृषकों को दिए जाने वाला कृषि ऋण को क्या कहा जाता था। तो जो कृषि पर के लिए जो ऋण दिया जाता था कहाँ पर मुगल काल में, उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था तकवी। बी आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट इन कैबिनेट मिशन, कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन में नहीं था। तो कौन नहीं था कैबिनेट मिशन में, सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन था। तो भाई स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर थे, लेकिन जॉन साइमन नहीं थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था तो यह जॉन साइमन यहाँ पर इसमें सम्मिलित नहीं थे। इससे पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता थे वो कौन थे। तो पाकिस्तान शब्द के जो जन्मदाता थे वो थे चौधरी रहमत अली। ठीक है, पाकिस्तान शब्द का जो सृजन किया था, जो वो किसने किया था, वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक ग्रेजुएशन के जो छात्र थे चौधरी रहमत अली, उन्होंने ही पाकिस्तान नाम दिया था, उन्हें उन्होंने ही पाकिस्तान नाम के वही जन्मदाता हुए हैं। नेक्स्ट है कि भाई जो शाह आलम सेकंड थे है ना, 1771 में शाह आलम सेकंड जो हुए, उन्हें दिल्ली की गद्दी पर आसीन होने पर किसने मदद की थी, किसने उनकी हेल्प की थी कि वो जो शाह आलम सेकंड है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएं। तो किसने की थी, ये की थी महाजी सिंधिया ने। ठीक है, 1771 में जो शाह आलम सेकंड थे उन्हें दिल्ली के राज सिंहासन तक पहुंचाने में महाजी सिंधिया ने मदद की थी। आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग मेड सन्यासी, सन्यासी जो विद्रोह हुआ उसे किसने मशहूर किया था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह पर आप सभी को पता होगा कि आनंद मठ का जो उपन्यास है वो किस पर आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। तो किसने, मतलब आनंद मठ अगर उन्होंने लिखी, किसने आनंद मठ लिखी, बंकिम चंद चटर्जी ने लिखी है ना। तो किसने फेमस किया, बंकिम चंद चटर्जी जी ने ही इसे फेमस किया, सन्यासी विद्रोह को बंकिम चंद चटर्जी ने फेमस किया। आंसर हमारा ए। नेक्स्ट है कि लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की जो स्थापना की थी अप्रैल 1916 में, तो वो कहाँ पर की थी। तो उन्होंने कहाँ पर की थी भाई, उन्होंने की थी पूना में। ठीक है, और लोकमान्य तिलक की दो पुस्तकें बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा, मराठा और केसरी। ठीक है, और एनी बेसेंट ने भी क्या की थी, होम रूल की स्थापना की थी है ना। उनकी दो बुकें हैं जैसे कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, और इन इन पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, उन्होंने होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया था। और जो एनी बेसेंट थी कहाँ की रहने वाली थी, आयरलैंड की रहने वाली थी।
क्लियर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 था कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द कमांडर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। जो बक्सर का जो युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। कब हुआ था बक्सर का युद्ध? 1764 में हुआ था। तो बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था वो कौन था? तो कौन था भाई? हेक्टर मुनरो जो थे, हेक्टर मुनरो, ये बक्सर के युद्ध में क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति रहे थे, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 तक जो कंप्लीट हुए हैं ये हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, है ना। 15 क्वेश्चन करंट के हो गए, 15 क्वेश्चन किसके हो गए हैं? आपके हिस्ट्री के हो गए, ठीक है। लेकिन अभी आई थिंक कि 2, 4 या 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर आगे के वाले क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे हिस्ट्री के, क्योंकि हिस्ट्री का जो रोल होता है कम से कम 20 मार्क्स का हर एग्ज़ाम में। अगर 100 नंबर का पेपर होता है तो कम से कम 20 से 25 नंबर की हिस्ट्री पूछी ही जाती है। और आजकल करंट अफेयर का जो रोल है वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि 15 की जगह अब की बार हिस्ट्री भी 20 नंबर की आ जाए, ठीक है। तो आप फॉलो करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू so much।